हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कंदा फुकरे 3 और द वैक्सीन वार के टोटल 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही में अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज के भी टोटल 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और एसआरके की फिल्म जवान के अब तक के टोटल 31 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें तेलुगु भाषा की फिल्म स्कंदा के बारे में। स्कंदा फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया गया था, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के अधिकतर रिव्यूज काफी ज्यादा नेगेटिव निकल कर आए थे, जिसकी वजह से इस फिल्म का ऑडियंस के बीच में क्रेज ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि इस फिल्म का बजट अराउंड 95 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन यह फिल्म अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाई। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे बोयापति श्रीनो ने डायरेक्ट किया था, जिसमें राम पोतिनेनी, श्रीलीला और साई मांजरेकर दिखाई दिए थे। फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का पहले हफ्ते यानी कि टोटल 8 दिनों का ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 37 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास रहा और इस फिल्म ने अपने 90 दिन पर लगभग 47 लाख रुपए का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया और आज अपने 10वें दिन पर यह फिल्म लगभग 55 लाख रुपए का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। तो इसी के साथ स्कंदा फिल्म का टोटल 10 दिनों का ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 38 करोड़ 82 लाख रुपए हो चुका है। वहीं फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन अराउंड 46 करोड़ रुपए, ओवरसीज में इस फिल्म ने अभी तक मात्र 5 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है। तो इसी के साथ स्कंदा फिल्म का अब तक का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अराउंड 57 यानी कि 57 करोड़ रुपए हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए द वैक्सीन वार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बॉलीवुड की यह फिल्म जो कि इंडिया की फर्स्ट बायो साइंस फिल्म थी, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था, यानी कि जो इससे पहले भी द कश्मीर फाइल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके थे, लेकिन दोस्तों यहां पर इस फिल्म को लेकर जितनी ज्यादा उम्मीदें थी, इस फिल्म के कलेक्शन ने उतना ही ज्यादा निराश कर दिया है, क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टोटल 8 दिनों के अंदर ही दम तोड़ चुकी थी। वहीं दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बुरी तरह से फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी थी। माना कि इस फिल्म का बजट अराउंड 12 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास था, लेकिन इतना कम बजट होने के बावजूद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाए। फिल्म में नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी और अनुपम खेर जैसे लेजेंडरी एक्टर दिखाई देते। तो दोस्तों जैसा कि सब लोगों को उम्मीद थी कि यह फिल्म भी विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्म यानी कि द कश्मीर फाइल की तरह बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन यहां पर इस फिल्म के कलेक्शन काफी कम निकल कर आए, क्योंकि ऑडियंस इस फिल्म को सिनेमाघरों में बिल्कुल भी देखने नहीं गई है। तो इस फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म का अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 8 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है। वहीं फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन अराउंड 10 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। ओवरसीज में इस फिल्म ने मात्र 2 करोड़ रुपए का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इसी के साथ द वैक्सीन वार का टोटल 10 दिनों का यानी कि अब तक का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। लेकिन अगर बात करें बॉलीवुड की कॉमेडी ड्रामा फिल्म यानी कि फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फुकरे 3 फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और फिल्म 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म होने का टैग ले चुकी है, क्योंकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ रुपए के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में यह फिल्म 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी। फिल्म का बजट अराउंड 40 करोड़ रुपए के आसपास था, जिसे इंडियन मार्केट में 2500 के आसपास स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, यानी कि फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन भी मिल चुकी थी। उसके बावजूद इस फिल्म के पिछले 2 पार्ट जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रहे थे, जिनकी सक्सेस का इस फिल्म को पूरा फायदा मिला है। फिल्म की स्टार कास्ट में पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, पंकज त्रिपाठी और ऋचा चड्ढा जैसे बेहतरीन कलाकार दिखाई दिए थे। तो दोस्तों यह फिल्म लोगों को फिर से हंसाने में कामयाब हो चुकी, यानी कि इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, जहां पर इंडियन ऑडियंस का इस फिल्म को लेकर सपोर्ट काफी ज्यादा देखने को मिला है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस से एक सक्सेसफुल कमाई करने में कामयाब हो चुकी है। फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म को रिलीज हुए आज 10 दिन कंप्लीट होने वाले हैं और फिल्म का फर्स्ट वीक यानी कि टोटल 8 दिनों का ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 66 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास हो चुका है। फिल्म ने अपने 90 दिन पर ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 2 करोड़ 31 लाख रुपए का कर लिया है। बात करें आज के कलेक्शन के बारे में, तो आज के कलेक्शन में एक बार फिर से ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां पर
पर यह फिल्म आज अपने 10वें दिन पर ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 3,25,00,000 रुपए का कर रही है। तो इसी के साथ फुकरे 3 का अब तक का टोटल 10 दिनों का ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 71,58,00,000 रुपए हो चुका है। वहीं फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन अराउंड 84 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक लगभग 11,50,00,000 यानी कि 11.5 करोड़ रुपए का कर लिया है। तो इसी के साथ फुकरे 3 का 10 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 95,50,00,000 रुपए हो चुका है। अब आगे देखना होगा फिल्म की कमाई और कहां तक जाती है। वैसे आपने फुकरे 3 फिल्म देख ली है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फिर सुपर फ्लॉप? लेकिन अगर बात करें सुपर स्टार अक्षय कुमार की कल रिलीज हुई फिल्म मिशन रानीगंज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद तो आ रही है, लेकिन सिनेमाघरों में इस फिल्म को पब्लिक बिल्कुल भी देखने नहीं जा रही है। जहां पर इस फिल्म के 2 दिनों के कलेक्शन काफी ज्यादा डिजास्टर रहे, यानी कि फिल्म ने 2 दिनों में ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 10 करोड़ रुपए से भी कम का किया है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार की पिछली फिल्म यानी कि सेल्फी की तरह इस फिल्म का भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल होने वाला है। हालांकि OMG 2 ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड मार्केट में 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था, लेकिन उसके मुकाबले यहां पर मिशन रानीगंज बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। फिल्म को एक भारी भरकम बजट यानी कि लगभग 120 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था, लेकिन यह फिल्म शायद ही अपना बजट रिकवर कर पाए, क्योंकि फिल्म को लेकर लोगों के बीच में ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रही है। तो शायद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बुरी तरह से डिजास्टर फिल्म साबित होगी। फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा दिखाई दिए थे। फिल्म की कहानी रेस्क्यू मिशन पर आधारित थी, जहां पर जसवंत सिंह गिल जी ने किस तरह से पश्चिम बंगाल के रानीगंज की कोयले की खदान में फंसे मजदूरों को वहां से किस तरह से बचाया था। फिल्म की स्टोरी तो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, जो आपको इमोशनल भी कर देगी, लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो चुका है। फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने अपने पहले दिन मात्र 2,80,00,000 रुपए की ओपनिंग ली है। वही फिल्म का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3,50,00,000 रुपए के आसपास का आ रहा है। इसी के साथ इस फिल्म का अब तक का टोटल 2 दिनों का ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 6,30,00,000 रुपए हो चुका है। वही फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 8 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में मात्र 2 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अराउंड 10 करोड़ रुपए हो चुका है। वैसे आपने अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज देख ली है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फिर सुपर फ्लॉप? लेकिन अगर बात की जाए बॉलीवुड की बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर अपने 31वें दिन भी रुकने वाली नहीं है। फिल्म का 31वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मिशन रानीगंज का 2 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग सेम ही आ रहा है, यानी कि यह फिल्म मिशन रानीगंज को भी पूरी तरह से टक्कर दे रही है। जबकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 31वां दिन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कल रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज को यहां पर जवान फिल्म पूरी तरह से टक्कर दे रही है। और फिल्म के 5वें हफ्ते में अपने पास ज्यादा कुछ स्क्रीन नहीं बची है, लेकिन उसके बावजूद भी कम स्क्रीन पर भी जिस तरह से यह फिल्म तबाही मचा रही है, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रचने वाली है। इसका रिकॉर्ड तोड़ना किसी और एक्टर के बस की बात नहीं होने वाली है। तो दोस्तों फिल्म एक फुल ऑन मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी, जिसे एटली कुमार ने डायरेक्ट किया था, जिसमें SRK, नयनतारा और विजय सेतुपति जैसे बड़े स्टार दिखाई देते। साथ ही इस फिल्म में 2 बड़े कैमियो भी हमें दिखाई देते, यानी कि एक था संजू बाबा का और दूसरा था दीपिका पादुकोण का, और दोनों कैमियोस ने इस फिल्म में पूरी तरह से 4 चांद लगा दिए थे। वैसे इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन यह फिल्म अपने बजट से तो कई गुना ज्यादा कमाई कर चुकी है। तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी है। फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म को रिलीज हुए आज 4 हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, यानी कि 5वें हफ्ते में फिल्म पहुंच चुकी है, जहां पर इस फिल्म ने अपने टोटल 4 हफ्तों के अंदर ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 617,51,00,000 रुपए का कर लिया था। वही फिल्म का 30वें दिन यानी कि कल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1,30,00,000 रुपए के आसपास रहा है, और आज ये फिल्म कलेक्शन में ग्रोथ दिखा रही है, जहां पर इस फिल्म का आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2,50,00,000 रुपए के आसपास हो सकता है। इसी के साथ जवान फिल्म का अब तक का टोटल 31 दिनों का ऑल इंडिया से नेट
नेट कलेक्शन 621 करोड़ 33 लाख रुपए हो चुका है। वहीं फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन अराउंड 740 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। ओवरसीज में इस फिल्म ने 373 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ एसआरके की फिल्म जवान का टोटल 31 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1113 करोड़ रुपए हो चुका है। अब आगे देखना होगा क्या फिल्म 1200 करोड़ रुपए का जादू आंकड़ा पार करेगी या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और आपने जवान फिल्म देख ली है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फिर सुपर फ्लॉप, और इन पांच बड़ी फिल्मों में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, आपने कौन सी फिल्म देखी और आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई।